गांव अंदर से लोडिंग होगा मेरे ख्याल से। देख सकते हो नाश्ता भी हम लोगों का निकल चुका है, नाइट में बचा खाना हुआ था अपना खिचड़ी। टायर जो हमारे पास पड़ा हुआ था ना, वो टायर खराब हो गया था, स्टेपनी वाला पंचर वगैरह हो गया था, तो उसको अभी हम लोग बनवाने के लिए। ये वाला ये धीरे धीरे ही निकला है हवा इसका, ये देखो ये चीज चेंज होगा इसका। इसमें कुंदरू, चटपटी दाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तुम्हारे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भाई लोडिंग करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग लोडिंग करने के लिए निकल चुके थे बीजापुर से खाली घर के। बाकी अभी हम लोग तो लोडिंग पॉइंट में आ चुके हैं, कांटा वगैरह कराएंगे, फिर उसके बाद में यहीं से ही एक गोडाउन दिख रहा है, यहाँ से लोडिंग होगा हम लोग का गाड़ी। और मौसम देख रहे हो, आज भी मौसम पूरा बना हुआ है पानी गिरने वाला, लेकिन क्या पता कभी भी गिर सकता है, कोई पता नहीं है। अभी रात में भी गिरा है, देख रहे हो पूरा भरा हुआ है यहाँ पे कोच का डबरा। यहीं से गोडाउन से अपना माल लोडिंग होगा, देखते हैं क्या लोड होगा। बाकी कांटा भी यहीं पे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाड़ी को लगा रखे अभी साइड में, और मौसम तो बना ही रहा है, पता नहीं पानी कभी भी गिर सकता है, लेकिन कौन सा माल है देखते हैं। भीगने वाला माल रहे तो वही ठीक है, क्योंकि पानी भी गिरे तो कोई दिक्कत ना हो, ऐसा टाइप का। बाकी अभी 8 बजे के बाद में ही लोडिंग करना चालू करेंगे, तो अभी वेट करना पड़ रहा है हम लोगों को। यहाँ पर 6 बजे आ गए थे, बाकी पीछे में रुके हुए थे ढाबा पे, उसके बाद में सुबह उठ के यहाँ पे आए। अब देखते हैं कितने बजे तक आते हैं लीवर वगैरह, फिर उसके बाद में लोडिंग होगी हम लोगों की गाड़ी, है ना। तो यहाँ पर तो कांटा में टाइम लगेगा, इसके वजह से हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह में, वहाँ से लोडिंग भी होगा। और देखा जी भाई गाड़ी उड़ी आ रही है क्या? अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, पूरा खाली है रास्ता, किधर जाने का है देखो भाई, इधर जाने, इसी में ही जाना है। गांव अंदर से लोडिंग होगा मेरे ख्याल से, गांव से लग रहा है 2-3 किलोमीटर हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा, फिर वहीं से ही लोडिंग करके आपसे भी आएंगे। बाकी सुबह सुबह का टाइम है, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, हरा भरा एरिया है इधर का, जगदलपुर एरिया है ना, बस्तर एरिया पूरा हरा भरा एरिया इधर। तो आ चुके हैं दोस्तों कांटा पॉइंट पे, ये देख सकते हो धर्म कांटा भी गाड़ी का हम लोगों का होगा, तो लगा दिए धर्म कांटा के ऊपर में। ये देखो यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का, बाकी ये राइस मिल है यहीं पे ही, धर्म कांटा तो यहीं पे ही आ गए अंदर में। हाँ तो गाड़ी का कांटा उटा करवा के तो आ चुके हैं, बाकी लोडिंग पॉइंट में भी लग चुकी है, भुट्टे का जो बीज होता है ना वही सब लोड हो रहा है। बाकी देख सकते हो नाश्ता भी हम लोगों का निकल चुका है, नाइट में बचा बना हुआ था अपना खिचड़ी, तो वही बचा हुआ है तो इसी को ही कर रहे हैं अभी नाश्ता में। और इधर प्याज भी है, तो दोस्तों पहला पॉइंट लोडिंग करके हम लोग निकल चुके हैं दूसरा पॉइंट लोडिंग करने के लिए। अभी जा रहे हैं, ये मेन रोड से होगा लोड, और वो हो गया था थोड़ा अंदर आए थे इधर सोनारपाल से अंदर आए थे, और वो जाके सीधा हम लोग रोड से ही लोडिंग करेंगे वो वाला दूसरा पॉइंट का। बाकी आज मौसम देख रहे हो मस्त दिख रहा है, तो दूसरा पॉइंट भी फटाफट हम लोगों लोडिंग हो गया और निकल चुके हैं दोस्तों। अभी हम लोग रवाना हो चुके हैं सीधा केस काल के लिए, वहां पर हम लोगों की गाड़ी खाली हो गई। क्या बात ऐसी है ना कि अभी इधर मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है, तो कोई मतलब नहीं गाड़ी खड़ा करने से, इधर उधर तो चली जाए कम से कम। मेरे को लोकल मिल गया यहीं से सीधा वहां का, वहां से फिर रायपुर के लिए निकल जाएंगे, ऐसा टाइप का। बाकी अभी जा रहे हैं और खाली हो जाएगा आज, और कल हम लोग का लोडिंग हो जाएगा वहाँ से। अगर आज ही हो जाएगा तो आज भी बहुत ही बढ़िया है, पहले देखते हैं, चलते हैं पहले तब पता चलेगा। तो दोस्तों वहाँ से चले थे अभी 10-12 किलोमीटर आगे आके फिर रुके हुए हैं, क्योंकि टायर जो हमारे पास पड़ा हुआ था ना, वो टायर खराब हो गया था, स्टेपनी वाला पंचर वगैरह हो गया था, तो उसको अभी हम लोग बनवाने के लिए रुके हुए हैं। अजीत भाई गए बनवाने के लिए, तभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, चलते हैं नीचे। टायर पंचर है कि क्या है? तो टायर वगैरह तो खुल गया हम लोगों का, स्टेपनी में लगा हुआ था, अब क्या है कहीं भी प्रॉब्लम कर देगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। पता चला क्या अंकल? अभी हवा भरोगे? सब पता चल जाएगा। अच्छा
इसका क्या पता, मैं इसको बनवा के ही रखा था, अपने आप ही हवा लीकेज हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आज देख रहे हो बादल बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मस्त सीन बढ़िया है, मतलब आज बादल फटाफटा है पूरा बढ़िया सा मस्त सा, और देखते हैं इसका लीकेज कहाँ से है। समझ में तो इसका पंचर वगैरह तो मिल नहीं रहा, इसका लगता है वाल खराब है, अंकल बता रहे हैं, बाकी देखते हैं। तो दोस्तों ये पंचर तो मिला नहीं, बस अब वाल चेंज कर रहे हैं अंकल, क्योंकि पूरा खोज लिए मिल ही नहीं रहा, इसमें वाल ही चेंज कर देंगे, जो वाल ये होता है ना ये वाला, ये धीरे धीरे ही निकला है हवा इसका, ये देखो ये चीज चेंज होगा इसका। बाकी दोस्तों उसका पंचर वगैरह तो मिला नहीं, लेकिन उसका वाल खराब था, वाल चेंज कर दिए हैं, और बाकी मैं सोनार पाल से माल भर रहा हूँ, बस्तर भी नहीं गया हूँ, सोनार पाल से माल भर के निकल गया हूँ करीबन, वहाँ सोनार पाल से अपना केसवाल पड़ता है, 100 किलोमीटर का डिफरेंस है ना, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी अभी हवा डल रहा है, फिर उसके बाद में हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग केसकाल पहुंच चुके हैं, और देखते हैं गाड़ी हम लोगों की आज खाली हो जाए तो ठीक है, बाकी पार्टी वाले को कॉल कर दिए हैं, आगे बुला रहा है, तो अभी जा रहे हैं आगे, फिर वहां से निकलेंगे, आज खाली कर देता तो अच्छी बात है। पहुंच चुके हैं दोस्तों कंपनी, यही होगी हम लोगों की गाड़ी खाली। ये देखो अजीत भाई अभी खोल रहे हैं दरवाजा, क्योंकि यहाँ पे वॉचमैन है नहीं कोई, इसके वजह से अभी डालता हूँ मैं इस गाड़ी को अंदर। आ चुके हैं दोस्तों अनलोडिंग पॉइंट में, तिरपाल वगैरह खुल गया है, और यहीं पर अनलोडिंग होगी हम लोगों की गाड़ी, केसकाल पहुँच चुके हैं। बाकी अजीत भाई अभी ऊपर में रस्सा उस्सा पूरा खोल दिया, अब खाली करना चालू करेंगे, तिरपाल और हटा देते हैं। शाम के बज चुके हैं दोस्तों 6, और अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, यहीं पर ही पानी चल रहा था, ये देख सकते हो अजीत भाई नाच नाच के नहा रहे हैं, क्या बात है। यहाँ पे टैंकी था बढ़िया, और मौसम देख रहे हो बहुत बढ़िया हो रखा है, और गाड़ी भी हम लोगों की खाली हो रही है, ये देखो खाली होगी, फिर उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। अब देखो कितना टाइम में खाली होती है, अभी तो आधा भी नहीं हुई है और शाम हो चुकी है भाई साहब। खैर यहाँ से हम लोगों को लोडिंग मिल जाएगी रायपुर के लिए, और थोड़ा गाड़ी में भी काम आ गया जो कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी नहा धो लिए हम लोग, बढ़िया फ्रेश हो चुके हैं, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। तो दोस्तों इस समय रात के बज चुके हैं 8, और गाड़ी उड़ी तो खाली हो चुकी है पूरी, और अभी आ चुके हैं केसकाल में रुके हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देख सकते हो। तो यहाँ पे ये पीछे में ये है ना गोडाउन, यहाँ पे खाली हुई हम लोगों की गाड़ी, और कल सुबह यहीं से लोडिंग होगी हम लोगों की भाटापारा के लिए, ठीक है। तो यहाँ से सीधा हम लोगों को सीधा भाटापारा का भाड़ा मिल जाएगा, तो भाटापारा का भाड़ा भर के हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी दोस्तों हम लोग खाना बना रहे हैं, जो कि खाना में आज बनेगा दोस्तों, ये देख सकते हो कुंदरू लिए हैं 1/2 किलो, और इधर टमाटर है, और सब वैरायटी उसका कट गया है, सब आइटम कट के रेडी हो गया है ना। तो तेल गर्म होने देते हैं और बनाते हैं, और चावल बन के रेडी हो चुका है, ये देखो गर्मा गर्म मस्त सा, और कल लोडिंग करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों खाना बनाते हैं। ओ, तेल हो चुका है गरम, और ये चला जीरा। मिर्ची डालते हैं ना दोस्तों शुरुआत में, तो इतना छटकता है भाई साहब, मुंह कान जला देता है पता है, इसकी वजह से सब मिक्स करके डाल दो बढ़िया से, उसके बाद फ्राई होने दो। तो ये हो चुका है दोस्तों अच्छी तरीके से लाल, अब जाएगा इसमें कुंदरू।
देखिए अब कुंदरू को भी अच्छी तरीके से भूनते हैं, फिर डालेंगे इसमें टमाटर। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो हम लोगों का कुंदरू टमाटर बहुत ही बढ़िया बन गया है। बस थोड़ा 2 मिनट और भूजेंगे, उसके बाद में हम लोगों का कुंदरू टमाटर तैयार है। ये देखो पूरा मसाला वसाला टमाटर वमाटर सब डल के रेडी हो गया है। तो दोस्तों खाना बन के भाई रेडी हो गया और खाना निकाल भी लिए। ये तो दोस्तों गर्मा गर्म खाना हम लोगों का बन के रेडी हो चुका है और निकल भी गया। भाई साहब गर्म है लेकिन भूख भी लग रही है, क्या ही करें। चटपटेदार। तो दोस्तों खा लेते हैं भाई खाना, कुंदरू और टमाटर की भुजिया बना मस्त। तो दोस्तों खाना पीना तो हम लोगों का हो चुका है और चले अभी आराम करने के लिए। रात के बज चुके हैं इस समय 10 और बाकी गाड़ी भी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग चलाएंगे नाइट में पंखा। खैर इधर मौसम तो ठंडा हो गया है लेकिन गर्मी फिर भी लग रही है अंदर में, गाड़ी के अंदर में। बाहर मौसम ठीक है लेकिन मच्छर वगैरह आ जा रहे हैं ना तो काट रहे हैं, इसके वजह से पंखा ही चालू करना पड़ रहा है। बाकी पंखा उनका चालू करके बढ़िया आराम करेंगे ठीक है दोस्तों। और सुबह यहीं से लोड करके हम लोग निकल जाएंगे सीधा भाटापारा के लिए। बाकी दोस्तों ब्लॉग पसंद आया भाई लाइक कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय दोस्तों।